आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूपी पंचायत चुनाव से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट्स में आप बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट करते रहें। चलिए डालते हैं एक नज़र आज की रिपोर्ट पर। वर्ष 2015 को आधार मानते हुए पंचायत चुनाव का प्रस्तावित आरक्षण सूची जारी की गई। इस प्रस्तावित आरक्षण से काफी लोग असंतुष्ट हैं, उन्होंने आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर दी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व में हुआ आरक्षण सही था, वर्ष 2015 को आधार मानते हुए आरक्षण सही तरह से नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के गठन को लेकर प्रदेश सरकार जोर शोर से तैयारी में लगी है। इसी बीच तैयारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण सूची को लेकर विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर नई सूची तैयार की जा रही है। इसका प्रकाशन 27 को तक होना है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता दिलीप कुमार शीर्ष कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें वर्ष 2015 को आदर्श वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीटों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था। प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में बड़ी संख्या में लोग संतुष्ट हैं और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची तैयार करा रही है। दिलीप कुमार नामक युवक ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका SLP में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। इस बार याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया। पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन क्रम में नए सिरे से तय पदों के आरक्षण के तथा आरक्षित सीटों में आवंटन पहली सूची शनिवार को प्रकाशित होना शुरू हो गई। अब पंचायती राज विभाग के निर्देश पर प्रदेश में ये क्रम 22 मार्च तक चलेगा। आगे आपको बताते चलें, पंचायती राज विभाग की ओर से 11 फरवरी को जारी शासनादेश में सीटों का जो आरक्षण तय हुआ था, वह 3 मार्च को पहली सूची जारी हुई थी। उसे दावेदारों ने समीकरण बदल गए थे, मगर 15 मार्च को 1995 की बजाय 2015 को आदर्श वर्ष मानने के कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 17 मार्च को नया शासनादेश जारी किया। इसी शासनादेश के अनुपालन में शनिवार को जारी सूची ने भी पंचायतों के आरक्षण में फिर बदलाव कर दिया। आगे आपको बताते चलिए, 26 मार्च को होगा सूची का प्रकाशन। प्रदेश में अभी तक व्यवस्था के अनुसार 20 से 23 मार्च के बीच पहली सूची पर दावे व आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 24 से 25 मार्च के बीच उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 26 मार्च को इस अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। मगर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाने से एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे भावी प्रत्याशियों को इस नई सूची से मायूस हुए लोगों के दोनों खेमों में नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसले से पहले जो अभी व्यवस्था लागू है, उसके अनुसार 20 मार्च से 23 मार्च के बीच इस पहली सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 24 से 25 मार्च के बीच इन दावे और आपत्तियों का आंकलन कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 26 मार्च को इस अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।